हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीसी इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, हम आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम मोबाइल कैमरा से भी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। मोबाइल कैमरा से फ्रीक्वेंसी कैसे दोस्तों? क्योंकि हमारा जो कैमरा होता है वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके अलग अलग पिक्सल में क्रिएट करता है। तो दोस्तों, इसी का यूज़ करके हम आज जानेंगे कि 15 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी और 16 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में क्या इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देख सकते हैं आप, मैं कैमरा ओपन कर लिया हूँ और यहाँ एक एलईडी बल्ब है। दोस्तों, एलईडी बल्ब में देख सकते हैं लाइनिंग लाइनिंग आ रहा है। तो मैं यहाँ 3 डॉट में क्लिक करता हूँ और सेटिंग में आके यहाँ जो एंटी बेंडिंग है वहाँ पे दोस्तों हम 15 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, क्योंकि पता है हमें कि इंडिया में 15 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आता है। और दोस्तों, इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से जब मैं एलईडी बल्ब को देखूंगा तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन हो गया। क्लीन इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि ये कैमरा हमारा 15 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है। अब इसी को दोस्तों मैं सेटिंग में जाके वापस से इस फ्रीक्वेंसी को 16 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि पता है आपको, हमारे यहाँ 16 हर्ट्ज़ तो आता नहीं है। तो जैसे ही एलईडी बल्ब के सामने लाऊंगा तो फिर देख सकते हैं आप, लाइनिंग लाइनिंग है। और दोस्तों, ना तो यहाँ मैंने कोई जूमिंग किया है, ना ही कैमरा में कोई बदलाव किया है। ये जस्ट बस मैं एंटी बेंडिंग में आपका फ्रीक्वेंसी बस चेंज करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको मैं फिर से 15 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में ला देता हूँ तो देखना एलईडी बल्ब बिल्कुल ब्लिंक नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल ही रहा। हम इस प्रकार के मोबाइल कैमरा से 15 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को आराम से कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।